तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वेगस नर्व और उसका इफेक्ट ऑडिटरी प्रोसेसिंग पे कि ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी है ऑडिटरी हाइपो सेंसिटिविटी है आ, या फिर बच्चे का पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है या सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है बैलेंसिंग के बच्चे को इश्यूज हैं तो वो हम सब कैसे बेगस नर्व से कनेक्टेड है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो टू अंडरस्टैंड सेंग के बारे में एंड एवरीथिंग कि बच्चे की ओवरऑल प्रेजेंस ऑफ माइंड जो हम लोग चाहते हैं जो प्रोसेसिंग स्पीड हम लोग चाहते हैं विद ईजी इजी थिंग्स हम कैसे रिकवर कर सकते हैं और बहुत ईजी टू डू एक्टिविटीज हैं बिकॉज दीज आर रियली ईजी टू डू एक्टिविटीज हाई मेरा नाम ऋचा जैन है वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज तो देखिए वेगस नव अगर मैं बात करूं मैंने प्रीवियस इस पे वीडियोस की वेगस नर्व पे, जहां पर हमने समझा था वेगस नव क्या है बट एक ब्रीफ वेगस नर्व स्टार्ट्स फ्रॉम अवर ब्रेन ब्रेन से गट गट से कॉलन तो दिस इज द लॉन्गेस्ट नव जो हमारी बॉडी में है एंड इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो वेगस नर्व है दैट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंथ ग्रेनियल नर्व क्रेनियल और अगर मैं बात करूं आज हम सिर्फ इसमें ऑडिटरी प्रोसेसिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे बाकी चीजों पे नहीं करेंगे ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेगस नव हमारा आ, क्या काम करती है इट गिव्स अस सेंस ऑफ सेफ एंड साउंड क्या हम सुरक्षित हैं उसकी सेंस देना थ्रेट असेसमेंट की कि फ्लाइट और फाइट या फिर शटडाउन तो जो बॉडी इनपुट्स हैं वेगस करती है और उसके बेसिस पे ये तीन फैक्टर्स काम करते हैं सेफ एंड साउंड क्या मैं सेफ एंड साउंड तो मैं आराम से रिलैक्स कामिंग रिलैक्सिंग नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है या फिर फ्लाइट एंड फाइट है इज नीड टू बी मतलब अफ्रेड तो उसमें क्या होगा हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या मुझे फ्लाइट और फाइट मोड में जाना है या बिल्कुल ही शट डाउन फ्रीज एंड शट डाउन डोंट डू एनीथिंग सो दिस इज द स्टेट तो वेगस नर्व ये सारी चीजें एसेस करके हम एक्शन लेते हैं ठीक है तो ये वाला आपको क्लियर होगा अब बात करते हैं हमारे ऑडिटरी <coughs> प्रोसेसिंग की तो जो मैंने अभी बात की थी कि वेगस नर्व की बहुत सारी ब्रांचेस है ठीक है तो जो ओरिक्युलर ओरिक्युलर ऑरिक्यूलर ब्रांच जो है वेगस नर्व की वो हमारे आउटर ईयर और मिडल ईयर ठीक है तो उस उसपे डाटा सप्लाई करती है उस उसपे बेस्ड होती है एंड दैट इज नोन एज नर्व ओके ऑर्नल नर्व तो अब आपको आई थिंक यहां तक समझ में आगे कि ईयर से कनेक्टेड है इनर आउटर ईयर और मिडल ईयर में वो एग्जिट कर एग्जिस्ट करती है और वहां से वो डाटा का इनकमिंग एंड आउट गोइंग हैंडल करती है अब उसके फंक्शन क्या होते हैं सबसे पहला फंक्शन साउंड मॉड्यूलेशन साउंड मॉड्यूलेशन सेंसिटिविटी ऑफ साउंड इन मिडल ईयर कि आ, कई बार हम बोलते हैं बच्चा हाइपोसेंसिटिव है, है या हाइपरसेंसिटिव है तो जो मिडल ईयर में साउंड मॉड्यूलेशन है उसको कौन कंट्रोल करता है कि वो ज्यादा उसको फील हो या फिर उसको कम फील हो उसको सीकिंग बिहेवियर होगा या अवॉइडिंग तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द मिडल ईयर और वहां पर कौन हैंडल करता है वेगल टोन वीक है तो हाइपर सेंसिटिविटी और हाइपो सेंसिटिविटी आएगी अब नेक्स्ट चीज क्या कंट्रोल करता है ये जो आर्नल नर्व है वेगस नर्व की ये वाली ब्रांच मिडल ईयर मसल कंट्रोल मिडल ईयर मसल कंट्रोल है तो हमें क्या करती है रेगुलेट कंडक्शन ऑफ द साउंड कि बाहर से बहुत फ्रीक्वेंसी आ रही है बट कितना उसको ब्रेन तक डाटा पहुंचाना है किस तरह से पहुंचाना है दैट इज कंट्रोल विद दिस आर्नल नर्व तो इसमें क्या होगा प्रोटेक्ट ईयर फ्रॉम लाउड नॉइजेस तो उससे हमें हेल्प uh, बचाती है उससे हेल्प आउट करती है तो वही अगेन हाइपर सेंसिटिविटी एंड हाइपो सेंसिटिविटी अब मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया हुआ है मैं हमेशा बताती हूं दैट हमारे आउटर ईयर मिडल ईयर एंड इनर ईयर इनर ईयर में हमारे क्या होता है वेस्टिबुलर सिस्टम ठीक है तो आउटर ईयर मिडल ईयर अब इनर ईयर Uh, उसमें जो इक्विलिबीरियम है कि इनका आपस में तालमेल सही बैठा रहे इनपुट सही से प्रोसेस होके इनर ईयर तक जाए और हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम इक्विलिबीरियम जो है वो सही से मेंटेन हो पाए तो उसका काम क्या होगा मिडल ईयर का तो अगेन वेगल वेगस नर्व का तो अगर यहाँ पर इश्यूज़ है आउटर ईयर मिडल ईयर में तो व्हाट विल हैपन इनर ईयर में इश्यूज आएंगे डाटा के उसकी वजह से क्या होगा हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम गड़बड़ा जाएगा तो आप मान के चलिए जब भी ऑडिटरी इश्यूज़ हैं बच्चे को ऑडिटरी प्रोसेसिंग में इश्यूज़ हैं ब्रेन का सिंक नहीं है ईयर सिंक नहीं है ईयर एक्टिवली प्रोसेस नहीं कर रहे हैं डाटा को तो उस केस में बच्चे को वेस्टिबुलर सेंसरी इश्यूज़ भी होंगे ही होंगे ठीक है जिसकी वजह से बैलेंसिंग डिसऑर्डर आएगा बच्चे का बैलेंसिंग में इश्यूज आएंगे और जो है उसको जैसे है ना थ्रेट असेसमेंट में इश्यूज इश्यूज आएंगे आएंगे अब क्या क्या issues आएंगे, हम इन पे चर्चा करेंगे देखिए अगर हाइपर सेंसिटिविटी है या हाइपो सेंसिटिविटी है तो उसमें क्या होगा बच्चे को बैकग्राउंड को एलिमिनेट करने में डिफिकल्टी uh, होगी अगर मिडिल ईयर एक्टिव नहीं है वेगल टोन वीक है तो वो बैकग्राउंड नॉइसेस को एलिमिनेट नहीं कर पाएगा और बच्चे का फोकस जिस चीज पे फोकस करना है जिस साउंड पे फोकस करना है उस पर नहीं कर पाएगा ठीक है अब उसकी वजह से क्या होगा अगर टोन वीक है तो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा अगर टोन स्ट्रांग होती है हमारा पैरासिम्पथेटिकिपथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है सेफ एंड साउंड हैप्पी एंड काम पोजिशन हमारा ब्रेन इस फीलिंग की यस आई एम सेफ आई एम मतलब हैप्पी तो वो वाला पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम होता है तो ब्रेन का स्ट्रेस फ्री एंजाइटी फ्री और सिचुएशन रहेगा जिससे ब्रेन ज्यादा अटेंशन और फोकस में रहेगा बट जब सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है दैट इज फ्लाइट एंड फाइट मोड फ्लाइट एंड फाइट मोड होगा तो करो या मरो भाई मेरे को तो इतना हाइपर एक्टिविटी स्ट्रेस मूड वो एंगर फ्रस्ट्रेशन वो सब चीजें होंगी और मैं किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाऊंगी तो दिस इज सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जब वेगल टोन वीक होगी तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होगा और बच्चा किसी भी इनपुट पे किसी तरह के भी इनपुट पे ऑडिटरी ऑडिट्री नहीं हम बात करें किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाएगा और इससे क्या पता चलेगा कि मिडल ईयर जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है वेगल टोन वीक है ठीक है अब उससे क्या होगा जब वेगल टोन वीक है मिडल ईयर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो उसमें थ्रेट असेसमेंट असेसमेंट थ्रेट हम किस पे करते हैं साउंड से कि क्या चीज कितनी दूर है और कितनी स्पीड से आ रही है मुझे हटना है या नहीं हटना है कहां से कौन सी साउंड आ रही है किस तरफ से मुझे भागना है कि इधर से तो कुछ खतरा आ रहा है मोंकि आ रहा है बट मैं ये असेस ही नहीं कर पा रहा किस साइड से साउंड आ रही है और मैं पता चला जिस तरफ मौकी आ रहा है उसी तरफ भाग गई और मौकी ने मुझे काट लिया तो वो इश्यूज आ जाएंगे क्योंकि ऑडिटरी इनपुट को वो हम ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहे ठीक है तो जब हम वेगल टोन पे काम करते हैं ठीक है वेगल टोन पे जब हम लोग काम करते हैं वेगस नर्व को एक्टिवेट करते हैं स्टिमुलेट करते हैं तो क्या होगा हम वॉइस अच्छे से मैनिपुलेट कर पाएंगे सुन पाएंगे प्रोसेस कर पाएंगे कि कौन से साउंड कहाँ से आ रही है किस फ्रिक्वेंसी से आ रही है किस तरह की साउंड आ रही है बैकग्राउंड नॉइसेस को हम लोग एलिमिनेट कर पाएंगे ठीक है अब हम एनवायरमेंट uh, से जितने भी साउंड आ रही हैं उनको फिल्टर आउट कर पाएंगे अब uh, उसमें हम लोग डेंजर असेसमेंट अच्छे से कर पाएंगे और जिससे हमारी ऑडिटरी प्रोसेसिंग अच्छी होगी साथ ही साथ हमारी स्पीच भी अच्छी होगी क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था कि लैंग्वेज एंड स्पीच हम अपना ही थॉट प्रोसेस अच्छे से सुन पाएंगे वी कैन लिसन आर सेल्व बेटर कि हम हम अपने आप को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्या हम रीड कर रहे हैं तो रीडिंग राइटिंग एंड स्पीच एंड लैंग्वेज बहुत इंप्रूव होगी जब हमारा आउटर ईयर मिडल ईयर वेगल टोन अच्छी होगी ठीक है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब ये चीजें अच्छी होंगी तो इनर ईयर हमारा इक्विलिबीरियम मेंटेन कर पाएगा वेस्टिबुलर सेंस हमारी स्ट्रॉन्ग होगी बैलेंसिंग हमारी अच्छी होगी ठीक है तो वेगल टोन इंप्रूव जो हमारा इन आउटर ईयर और मिडल ईयर जो आर्नल नर्व है वेगल नर्व की ब्रांच उस पर जब हम लोग काम करते हैं तो ये सारी चीजें इंप्रूव होती हैं उसके साथ साथ ये तो मैंने ऑडिटरी प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग बताया लेकिन अगर मैं ओवरऑल जनरलाइज बात करूं जब हम वेगल टोन पे काम करते हैं तो आ, हमारे हेड एक हेड एक या माइग्रेन्स के इश्यूज हो बच्चे को हेड एक रहता है, है तो वेगल टोन उसमें हेल्प करती है एंगजाइटी और स्ट्रेस मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा जब वेगल टोन अच्छी होगी तो क्या होगा हमारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस रिड्यूस होगी सेफ एंड साउंड सिचुएशन uh, आएगी बच्चा ज्यादा काम रिलैक्स रहेगा और अटेंशन बढ़ेगा मूड स्विंग्स कम होंगे गट हेल्थ अच्छी होगी क्योंकि बिकॉज गट हेल्थ गट इज आर सेकेंड ब्रेन ठीक है तो अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी है तो हमारी ब्रेन हेल्थ भी इंप्रूव होगी गट अच्छा हेल्थी गट लीड्स टू अल्दी ब्रेन तो इसमें मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियोस शेयर की हुई एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है पैरासिंपथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी ऑडिटरी प्रोसेसिंग बढ़ेगी और दोनों एक्टिवेट होंगे का सिंक होगा जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोसेसिंग एंड फंक्शनिंग बच्चे की बढ़ेगी तो ये सारा था एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग आई होप ये क्लियर है ठीक है अब इतनी सारी चीजें बता दी अब बात आती है ये वेगल टोन को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं दिस इज अगल थ्योरी बोली वेगल एक्सरसाइजेस मैंने एक वीडियो में नाइन एक्सरसाइजेस एंड दे आर सो इजी सो इजी टू फॉलो वो बहुत इजी है करने के लिए हम अगर बात करें क्योंकि उसमें क्या है पैसिवली हमें बच्चे से करनी है जरूरी नहीं है कि बच्चे को ही वो करना है हमें ही देनी है एयर मसाज है देर आर टैपिंग है प्रेशर पॉइंट्स हैं तो आर वो हमें करना है बच्चे को उसमें नहीं करना कुछ भी तो उसमें क्या होगा आ, वेगल टोन इंप्रूव होगी और कुछ एक एक्टिविटीज एक है जो बच्चे को परफॉर्म करनी है तो वो हम छोटे बच्चों के साथ भी कर सकते हैं दे आर वेरी इजी 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 एक्टिविटीज और अगर आप करेंगे बिलीव मी गट फंक्शन में ब्रेन फंक्शन में ऑडिटरी प्रोसेसिंग में और अगर मैं बात करूं वेगस नर्व इज द नर्व जो जिसकी ब्रांचेस हर जगह हर सेंसरी सिस्टम पे वर्कआउट करती हैं तो ओवरऑल हर सेंसरी सिस्टम में आपको बेनिफिट मिलेगा ठीक है तो वो नाइन पॉलीविगल एक्सरसाइजेस का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी प्लीज गो देयर एंड वॉच इट और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि अगर मैंने उसमें सिंपल एक एक्टिविटी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं एक सिंपल एक्टिविटी है क्लैपिंग ठीक है आपने 30 सेकंड के लिए क्लैपिंग करवानी है तो दिस विल एक्टिवेट योर वेगल वेगस नर्व स्टिमुलेशन होगा तो अब ये बात आती है कि मुझे दिन में एक ही बार करानी है क्या नहीं अगर मैं कोई भी इस तरह की एक्टिवेशन या स्टिमुलेशन एक्टिविटीज बात करूं उनसे ब्रेन में न्यूरो केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसका इफेक्ट जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम टू आवर्स तक रहता है मतलब वन टाइम एक्टिवेशन आपने एक बार एक्टिविटी करी दैट स्टिमुलेट वेगल नाउ फॉर टू आवर्स ठीक है उसके बाद वापस वही सिचुएशन तो एवरी टू आवर आपको वो रिपीट करना है एक्टिविटीज वेरी इजी यार 30 सेकंड के लिए क्लैप करना है 30 सेकंड के लिए ईयर पे आपने मसाज देना है प्रेशर देना है तो आर रियली वेरी इजी 30 30 सेकंड के लिए आपने कुछ कुछ करना है तो so, लेकिन आप देखिए उसका इफेक्ट की दो घंटे के लिए आपके बच्चे का मूड रिलैक्स पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहेगा एंड द लॉन्गर यू डू दीज एक्टिविटीज तो वो आ, जो सेंसरी सिस्टम है ओवरऑल सेंसरी प्रोसेसिंग है वो बच्चे की इंप्रूव होगी जिसकी वजह से बच्चे का लर्निंग अटेंशन फोकस बढ़ेगा इश्यूज डाउन आएंगे बिहेवियरल इश्यूज कंट्रोल आएंगे तो दिस इज अबाउट ऑडिटरी प्रोसेसिंग वी हैव कवर्ड अभी तक हमने बात कर ली है इस सीरीज में अबाउट ऑडिटरी इश्यूज, ऑडिटरी कामिंग स्ट्रेटजीज कॉपिंग स्ट्रेटजीज ऑडिटरी स्किल को कैसे बढ़ाना है ऑडिटरी स्किल एंड प्रिमेटिव रिफ्लेक्सेस ऑडिटरी स्किल्स एंड ईयर सिंक एंड ब्रेन बैलेंस और दिस इज अबाउट जो हम लोगों ने अभी तक करा है अगर कोई और इशू रह गया है तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए सो so uh, दैट मैं भूल जाती हूँ क्योंकि बार अच्छा इस पे भी मुझे वीडियो बनाना है सो दैट आई कम टू नो एंड आई विल हेल्प यू आउट जितना मुझे नॉलेज है सो इफ यू फाइंड माई वीडियोज इंफॉर्मेटिव क्योंकि अगर मैं बात करूं Uh, कोई भी आपको इतनी नॉलेज प्रोवाइड नहीं करेगा बिकॉज दिस इज देयर बिजनेस एंड आई एम डूइंग टू एजुकेट माई फेलो पेरेंट्स कि मैं उनको बता पाऊं और जड़ तक पहुंचा पाऊं और आपको इजी से इजी सॉल्यूशंस दे पाऊं सो इफ यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल आई ऑलवेज से प्लीज लाइक एंड कमेंट बिकॉज आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है तो प्लीज लाइक कमेंट करना मत भूलिए and share and subscribe my channel. Thank you so much.